हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंगवाल आर्ट्स। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको रिव्यू भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको ग्लास कलर्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लास कलर्स का। कुछ इस तरीके का बॉक्स आता है, 6 शेड्स उसमें होते हैं और ये वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं। तो ये आप बाय कर सकते हैं, 75 रुपीज़ की MRP है। ये आपको 70 या 75 रुपीज़ का ही मिलेगा। और यहाँ पर मैंने रखे हैं 3D आउटलाइनर्स हैं, इसमें काफ़ी कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कुछ सेट्स मैंने बाय कर रखे हैं। तो जो इसकी MRP है, ये 25 रुपीज़ का आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। ग्रीन कलर है, इसमें कई सारे शेड्स हैं और 25 रुपीज़ की इसकी MRP है। इसमें कई सारे आप शेड्स देख सकते हैं। ये शेड आ जाता है आपका फाइन रंगोली ग्लिटर, ये आ जाता है आपका ग्लिटर ब्लू, ये आ जाता है आपका एंटिक गोल्ड, और ये आता है आपका ग्लिटर गोल्ड स्पार्कल जो कहते हैं, और ये आता है ग्लिटर रेड। तो कुछ इस तरीके के कलर्स आते हैं और इसमें आपको कलर्स और भी आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। और इसी तरीके की ये ग्लिटर आते हैं, गोल्ड ग्लिटर ट्यूब आती है, ये 15 रुपीज़ की इसकी MRP है। तो ये आपका सिल्वर है और एक गोल्ड है। तो आप स्टिकी ट्यूब भी ले सकते हैं आउटलाइनर बनाने के लिए। तो चलिए पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से कलर्स मिलते हैं। 6 शेड्स का ये बॉक्स आता है, तो उसमें एक अलग से आउटलाइनर मिलता है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा कलर है। तो ये ब्लैक कलर की हमें आउटलाइनर मिल रही है। तो जब हम ग्लास कलर्स यूज़ करेंगे तो उसमें हम ब्लैक आउटलाइनर्स का पहले यूज़ करेंगे, या फिर आप कोई और जैसे 3D आउटलाइनर्स मैंने आपको दिखाई थी तो वो भी आप पहले आउटलाइन बना सकते हैं, उसके बाद कलर कर सकते हैं। और जैसे कि इसमें कैप अलग से मिलती है हमें, तो इसमें देखिए आप इस तरीके से कैप लगा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की कैप इसके संग आती हैं, तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है आउटलाइन बनाने के लिए। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन कलर्स के साथ ये आपको आउटलाइनर प्रोवाइड होता है। अब हम कलर्स चेक कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कलर्स में इसमें मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की बॉटल्स आती हैं, तो हम ये कलर चेक कर लेते हैं हमारे कौन कौन से कलर्स हैं। एक आता है पिंक कलर, टमाटो रेड, क्रिस्टल ग्रीन, गोल्डन येलो, सी ब्लू और डार्क ब्राउन। तो कुछ इस तरीके के कलर्स आते हैं जो हमारे 6 शेड्स हैं, तो काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके का कुछ ग्लास ले लेंगे। देखिए इस तरीके का ये ग्लास है। तो कोई भी अगर आप फ्रेम आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें आप ये ग्लास उसका निकाल सकते हैं। और ग्लास में आप पेंटिंग करने से पहले आप उसको पहले अच्छे से कोई भी कॉटन पेपर से, या फिर आप नैपकिन हो आपके पास तो उससे आप पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो ग्लास पेंटिंग है, हम कुछ इस तरीके की पेंटिंग बनाएंगे फ्लावर्स की। तो आप चाहें तो इस तरीके का फ्लावर्स का या जो भी आपको ड्रॉ करना हो तो उस तरीके का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आप किसी पेपर में पहले पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आप उसको ग्लास के पीछे आपको इस तरीके से लगाना है। तो कुछ इस तरीके से आप मिरर को, जो आपका ये जो ग्लास है इसको आप ऊपर लगा सकते हैं, जो आपका जो प्रिंट है रिफरेंस जो आपने ड्रॉ कर रखा है या फिर आपका जो प्रिंट है वो उसके पीछे आ जाएगा। उसके बाद आप जो भी इसमें डिज़ाइन आ रहे हैं उसके बाद आप इसमें आउटलाइनर से इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम अटैच कर लेते हैं ताकि इसमें पेपर हिले डुले नहीं इसका, तो उसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने मास्किंग टेप से पेपर अटैच कर लिया है ताकि ये पेपर आपका हिले डुले नहीं, अगर आप जब उसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो वो हिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप मास्किंग टेप ज़रूर इसमें अटैच कर लीजिए। तो इसमें आउटलाइन करने के लिए मैं 3D आउटलाइनर का यूज़ करूँगा, जो एंटीक गोल्ड है। तो ये एंटीक गोल्ड है, तो इससे मैं पहले सबसे पहले इसमें आउटलाइन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कलर करना है।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूरी आउटलाइन तो बना ली है, तो अब हम इसको प्रॉपर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही हमें इसमें कलर करेंगे ग्लास कलर्स, तो पहले इसको ड्राई होने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपरली ड्राई हो चुका है, पूरे 4 आवर्स के बाद ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले इसको पेपर निकाल लेते हैं जो हमने पीछे अटैच कर रखा है, तो उस पेपर को हम निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का आ जाता है। बाकी अब हमें कलर करना है, तो कलर करने से पहले आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आप एक ले लीजिए नैपकिन और एक ले लीजिए टूथपिक, या फिर कोई भी अगर आपके पास ब्रश का हो तो उसकी बैक का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए टूथपिक का यूज़ होगा, जहाँ पर आपको कलर हल्का सा ब्लेंड करना है, शेड करना है, तो उसके लिए आप टूथपिक का यूज़ करिए। ब्रश का यूज़ ज़्यादातर आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। बाकी आपको जैसे टूथपिक आपकी गंदी होती हैं तो आप हल्का सा इससे आप साफ क्लियर भी कर सकते हैं, तो इसको अपने पास ही रखिए साइड में, और बाकी टूथपिक आपका डिजाइन के लिए हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सनफ्लावर बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें ये अंदर ब्राउन फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्राउन हम ये ले लेते हैं ग्लास कलर, ये देखिए ब्राउन कलर हम सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मैं बीच में जो छोड़ रहा हूँ वहाँ पे हल्का हल्का शेड आ जाएगा येलो का, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से इसको फिल नहीं कर रहा हूँ। बस इसमें आप ये ध्यान रखिएगा जो इसमें बबल्स बन रहे हैं उन बबल्स को आपको हटा देना है। चाहें तो आप इसी से ब्लेंड करके हटा दीजिए, या फिर आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बबल्स आपको हटा देने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप लास्ट में भी इनको बबल्स हटा सकते हैं ड्राई होने से पहले। तो अब मैं थोड़े से बबल्स हटा देता हूँ इसके। तो इस तरीके से आप टूथपिक से इसके बबल्स हटा सकते हैं। बबल्स हटाना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। थोड़ा सा इसमें हम गोल्डन येल्लो हल्का सा इसमें ड्रॉप मार लेंगे। उसको आप हल्के हल्के ब्लेंड भी कर लीजिए, बबल्स को हटा लेना आप। जो स्पेस जो बच गई है उसको आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हम फिर से गोल्डन येलो कलर इसमें फिल कर लेते हैं। तो इसमें हल्का सा शेड देने के लिए हम एक ड्रॉप ब्राउन की इसमें डालेंगे, बहुत ही हल्की सी आपको लेनी है ड्रॉप। अब इसको आप टूथपिक के जरिए इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। जहां आपको लाइन देनी है तो आप इस तरीके से लाइन दे सकते हैं। अब जैसे कि कम पड़ रहा है तो मैं एक ड्रॉप और ले लूँगा। तो इस तरीके से कहीं आपको शेड देना हो ना तो आप इस तरीके से शेड दे सकते हैं। तो जब आप कलर मिक्स करें तो स्टार्टिंग में ज़्यादा कलर ना लें, ताकि आपका अगर आप ज़्यादा कलर हो गया तो आपको शेडिंग करने में दिक्कत हो जाएगी, फिर कलर भी आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए आप जैसे मैंने एक एक करके ड्रॉप लिया है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतना ही कलर आप इसमें लीजिए, ज़्यादा लेके भी कलर अच्छा नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से आपको सब फिल कर लेने हैं।
तो जैसे अब हमने फ्लावर तो कंप्लीट कर लिया है, अब हमें लीफ बनानी है। तो लीफ में हम ग्रीन कलर ले लेंगे, तो इसमें ग्रीन का ऑप्शन एक ही आता है, डार्क ग्रीन का। तो अब उसमें हम लाइट कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम डार्क ग्रीन फिल कर लेते हैं। जैसे हमने डार्क ग्रीन फिल कर लिया है तो अब थोड़ा सा हमें शेड देना है। तो उसमें हम जैसे हमने येलो में ब्राउन मिक्स किया था, वैसे ही हम ग्रीन में थोड़ा सा हम येलो मिक्स करेंगे। तो इसी को आप टूथपिक से हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए, तो थोड़ा बहुत शेड आ जाता है हल्का हल्का। देखिए एक तरफ से लाइट शेड आ गया आपका लाइट ग्रीन, तो ग्रीन में हल्का हल्का येलो आप मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लाइट शेड दे सकते हैं। ऐसे ही आपको सब में फिल कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको पूरी तरीके से फिल कर लिया है, जो हमारी पेंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब इसको प्रॉपर ड्राई होने के लिए 24 आवर्स का टाइम चाहिए, तो उसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ देता हूँ। और इसको ड्राई होने के बाद ये किस तरीके से शो होती है और इसको किस तरीके से फ्रेम करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा। तो अभी हमारे पहले पार्ट में आपने देख लिया कि किस तरीके से कलर करना है। तो अगर पेंटिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।